प्रदेश में हुए सीपीएफ जीपीएफ घोटाले को लेकर आज संभल के सभी विद्युत कर्मचारी दो दिन के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। साथ ही सभी कर्मचारियों ने दो दिन के लिए कार्य बहिष्कार का भी ऐलान किया है। यूपी शाखा संघर्ष समिति के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि सरकार इस बात का आश्वासन दे और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारी अपील है कि इस घोटाले में जो पैसा मारा गया है और जिस जिसका यह पैसा है उसको यह वापस दिया जाए और साथ ही इस घोटाले में जो उच्च स्तरीय अधिकारी संदीप हैं उनके खिलाफ भी कठोर कार्यवाही की जाए। साथ ही पीएफ का एक ब्यौरा भी ऑनलाइन हो। यह धरना प्रदर्शन संभल के चंदोसी हाइडल के अंदर किया जा रहा है जिसमें सैकड़ों की तादाद में समस्त विद्युत कर्मचारी मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर धरना कर रहे हैं और सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं कि इस घोटाले में जो भी अधिकारी लिप्त हैं उन पर कठोर कार्यवाही की जाए। इसमें जो लोगों का पैसा और ट्रस्ट का पैसा है उनको वापस दिया जाए। डीसी शर्मा, अधिशासी अभियंता। सर, ये जो आज ये धरना प्रदर्शन आपका चल रहा है किन किन मांगों को लेकर? ये जो जीपीएफ सीपीएफ का घोटाला हुआ है इस घोटाले को लेकर ये धरना प्रदर्शन है और हम लोगों की मांग ये है कि गवर्नमेंट इस चीज़ का जो है आश्वासन दे, लिखित में आश्वासन दे इसकी जिम्मेदारी को लेकर। ये पैसा आपका जिस जिसका भी है वो पैसा वापस जो है ट्रस्ट में आएगा और लोगों का कोई पैसा मारा नहीं जाएगा। इसके अलावा दूसरी मांग उसमें ये है कि जो भी उच्च प्रबंधन या प्रबंधन जो भी लोग उसमें शामिल रहे हैं घोटाले में उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। ये कैसे चलेगा आपका? ये अभी दो दिन है, आज और कल 18 और 19 नवंबर को यदि संयुक्त सम्मान समिति के जो है ना वहाँ से जो है ना मुख्यालय से जो और आदेश आएंगे कल शाम को जो आदेश आएंगे उसका अनुपालन करते हुए आगे की कार्रवाई होगी। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।